उसे कांटेक्ट मत करो देन व्हाई डिड यू कांटेक्ट ऋषि ठीक कह रहा कोई उसे कांटेक्ट मत करो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी वाइफ और अपनी बहन के बीच में किसी एक को चुनना पड़े दैट्स व्हाई आई मेड अ डिसीजन आई एम लीविंग अनुज मैं जा रही हूँ जाना जरूरी The hands together for Asmi Karmakar. Put your hands together for Asmi Karmakar. आपको नहीं पता मतलब नहीं मुझे कैसे पता होगा और उसको पार्टिसिपेट किसने करने दिया मैंने मतलब मुझे लगा उससे शौक है तो बाहर जाके अनुभव कैसा होगा कैसा नहीं तो घर से ही मौका मिले तो उसका हौसला बढ़ेगा नहीं मगर आपको मुझे एक बार बताना तो चाहिए था वो ऐसे कैसे कर सकती है हाँ मुझे बताना तो चाहिए था आपको लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने आपको भी नहीं बताया उसे शौक है तो कोई हर जाए क्या नहीं बात शौक की नहीं है उसने फैमिली में किसी को नहीं बताया और फिर जिस एज में वो है ऐसे डिसीजंस फैमिली में डिस्कस करके लिए जाते हैं मतलब वी वुड हैव गाइडेड हर बेटर दैट्स ऑल हनी मैं तो बताना चाहिए था बट देखो चिंता की कोई बात नहीं है उसकी शुरुआत घर से ही हुई है तो सब सेफ है I don't know, मतलब सब कुछ सही होते हुए भी फीलिंग सही नहीं आ रही नहीं वो अचानक देखा ना ऐसे इसलिए सरप्राइज ऐसे तो इसलिए रिलैक्स ठीक होता है चले एक सेकेंड घर से फोन आ रहा है आप चलिए ना आप
शिट यार, गौरवी कहाँ गई? हाँ अब ठीक है, आई मैं रखती हूँ। गौरवी तू यहाँ पे, और वो अस्मी के साथ? अस्मी के साथ क्या? अस्मी शांत हो जाओ, शांत। पता नहीं ये सब कैसे है। मैंने सोचा था आई बाबा ताई कितना कितना प्राउड फील करेंगे वो लोग, और तो और ऋषि जी ने भी, उन्होंने भी तो कितना सोचकर मुझे ये चांस दिया था। मैंने सब बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, हाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने परिवार को बताना चाहिए था ये शो में हिस्सा लेने से पहले। हाँ शायद इसीलिए ये सब उनकी उनकी ब्लेसिंग्स नहीं थी ना। अब तो ये सारे मीडिया वालों ने पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए होंगे ना। कुछ नहीं होगा उसका, वो सब मैं कंट्रोल कर लूंगा, फोटोज वीडियोस कुछ बाहर नहीं जाएगा, और तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। हाँ आंसू पोंछ लो तुम्हारे, संभालो अपने आप को, मैं आता हूँ। जीजू आप और ताई तो अलग हो गए हो ना, फिर भी आप इतना कंसर्न हो। हमारे रास्ते अलग हुए हैं, हमारी मंजिल अभी भी एक ही है। फैशन शो की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, फिर ये कैसे हुआ? तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, कम से कम ये देखना चाहिए था कि ये हमारी फैमिली मेंबर है। No way, भाई। वो मेरी फैमिली नहीं है, वो आपकी फैमिली है। And please don't force these relationships on me. अब तुझे जबरदस्ती लग रही है, फिर स्टेज पे वो सब क्यों कहा? और उसे शो स्टॉपर क्यों बनाया? मैंने तो तुम्हें सिर्फ उसको सारे मॉडल्स के साथ चलने का एक मौका देने को कहा था, फिर ये सब क्यों किया तुम? ऋषि कहीं तुमने ये जान के तो नहीं किया ना? Enough, भाई। I understand कि ये आपकी फैमिली है, but it's not mine, and I'm not interested in them. So please stop blaming me. जो भी हो ऋषि, पर गौरवी जी की फैमिली पर आंच नहीं आनी चाहिए। जी अनुज साहब ने यास्मी मैडम को घर ड्रॉप करने के लिए कहा। उसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं ले जाऊंगी। जी अच्छा। ताई यू मस्ट बी वांटिंग टू मीट जीजू ना, आप रुको मैं ड्राइवर के साथ जाती हूँ। तो देखा आपने, उनके लिए परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं, और सिर्फ अपना ही नहीं, मेरा परिवार। मैंने तब मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया जब मेरे खुद के कदम डगमगा गए थे, तब मुझे संभाला जब मैं गिरने वाली थी, और ये सब मुझे बिना पता चला। क्या आप भी आप ऐसे इंसान को गलत कहेंगे? नहीं नहीं मैडम, गलत कहा? गलत कहा मैंने? गलत कहा का? मैं गलत हूँ मैडम, मेरी गलती है। सही कहा है किसी ने, इंसान की परछाई हर रोशनी में अलग दिखाई पड़ती है, और फिर आपसे बेहतर उनको कौन जान सकता है जिनकी रोशनी ही आप। क्या वो समझ नहीं आया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, सिंप्लीफाई करता हूँ। आपने कहानी सुनाई ना अनुज जी की, तो आपकी कहानी के तो हीरो हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो तो 100 खून भी कर देंगे तो आप उनको जस्टिफाई करके सरकार से नोबेल प्राइज दिलवा देती। सॉरी आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, सो आई क्रैक द जोक।
बारिश लाने वाले बादल हमेशा काले होते हैं। वो वक्त आने पे पता चलता है कि ये तो बूंदों की साजिश थी। अरे आप यहाँ? अश्वी कहाँ है? वो आपने ड्राइवर भेजा था ना, तो उसके साथ चली गई। बट थैंक्स। हाँ अरे नहीं, ड्राइवर फ्री था तो। नहीं, आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, मत सोचो ऐसे। मैंने कहा था ना आपसे, अश्वी मेरे लिए श्रिया की तरह है, और भाई हूँ तो ख्याल रखूंगा ही। आप बिल्कुल नहीं बदले ना। आप चाहती थी मैं बदल जाऊं? नहीं, वो बस यही सोच रही थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्या फायदा, मेरे अच्छे होने से कौन सी मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। अब मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है ना। इस टाइम ना बस मिलेगी ना ऑटो। एक टाइम पे मैंने भी बस के बहुत चक्कर काटे, हर रूट जानता हूँ, नहीं आएगी। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। फिर से तुम्हें भीगते हुए देखूंगा और मुझे गाड़ी रोककर आपको लिफ्ट लेने के लिए मनाना पड़ेगा। आओ। आपने खाना खाया? नहीं, आपने? अरे नहीं नहीं, यहाँ थिन क्रस्ट पिज्जा के नाम पे मसाला पापड़ देते हैं। आइए चल के वड़ा पाव खाए उसी जगह। जी दो चाय देना, और मेरे में चीनी कम। मेरे में भी, और दूध भी कम। हाँ साहब, और दो वड़ा पाव भी देना, और साथ में मिर्ची भी। ठीक है साहब, आप तो यहाँ पहले भी आए। शुरुआत तो यहीं से हुई थी। भगवान भी सोच समझ के जोड़ी बनाता है साहब। मैं प्रार्थना करूँगा बप्पा हमेशा आप दोनों के सफर को ऐसे ही मजबूत बनाए रखे। क्यों बेचैन सिरों को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। कैसी साजिशें कर रही है बारिशें, क्या पूरी होगी अधूरी ख्वाहिशें। कैसी साजिशें कर रही है बारिशें,